क्रिकेट के हिंदी कमेंटेटर सुशील दोषी का इंदौर के स्कीम नंबर 78 में दोषी होंडा शोरूम है। दो पहिया वाहनों के इस शोरूम में मंगलवार की रात चोरी की घटना हुई। घटना का पता उस समय चला जब सुशील दोषी का बेटा शोरूम पहुंचा। वहां की तिजोरी गायब थी। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसमें तीन बदमाश तिजोरी ले जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित इस शोरूम के दोनों तरफ रात में दो चौकीदार भी तैनात थे। इसके बाद भी लाखों की चोरी हो गई। हालांकि ये पूरी घटना शोरूम के एक हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि शोरूम की सीढ़ियों से तीन बदमाश उतरे। उनके हाथों में स्टील की रॉड और अन्य औजार थे। इसके बाद ये तीनों शोरूम के एक हिस्से में घुसे और वहां रखी तिजोरी उड़ा ली। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि तीनों बदमाश तिजोरी लेकर वापस ऊपर की तरफ चले गए। पुलिस को शंका है कि घटना के पीछे किसी परिचित का ही हाथ है, क्योंकि इस वारदात में न तो कोई ताला तोड़ा गया और न ही कोई कांच फोड़ा गया। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि संभवतः शोरूम बंद करते समय पहली मंजिल पर कोई खिड़की खुली रह गई हो और चोर इसी खिड़की के रास्ते से शोरूम में आ गए हों। देखिए, सीसीटीवी फुटेज से दिख रहा है कि तीन लड़के मुंह पे कपड़ा बांध के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा विस्मय भी है इसमें कि सारे आगे एक चौकीदार बैठा हुआ है, रात में पीछे एक चौकीदार बैठा हुआ है। बिल्डिंग के किसी ताले को नहीं छेड़ा गया है, कहीं पेचकस, पिंचेस, पाना, राड, किसी प्रकार के उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है। कोई ताला नहीं तोड़ा गया है, कोई शटर नहीं तोड़ा गया है, कोई खिड़की नहीं तोड़ी गई है। सीधे लड़के ऊपर से आते नीचे दिखते हैं और तिजोरी उठा के चल देते हैं। तिजोरी के जो नट हैं वो तिजोरी के अंदर से लगे हुए हैं, और तिजोरी को तोड़ के यदि निकाला जाए तो उसका प्लाई चक जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लगता है कि कोई बहुत ही नज़दीकी आदमी इसमें हो सकता है उसका कहीं हाथ हो। हम लोग उस हर बिंदु पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी फिंगरप्रिंट्स वालों को हमने बुलाया, FSL की टीम आ रही है। इनका कलेक्शन रोज़ शाम को चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें रहता नहीं, लेकिन करीब 1.5 लाख रुपए उसमें फिर भी रहा होगा, ऐसा इन लोगों का आंकलन है। तो हर सूक्ष्म बिंदु पर विवेचना की जा रही है। फुटेज हमने प्राप्त किए हैं इनसे, उनका भी एनालाइज किया जाएगा। बहुत कठिन है अभी अंदाज लगा पाना इस चीज़ का, क्योंकि बिल्डिंग के आसपास कोई बहुत अच्छा ऐसा सपोर्ट नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे जो एक विंडो है वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन सारी विंडो अंदर से बंद होती हैं, सारे कांच अंदर से बंद हो जाते हैं। यदि उनको आप बाहर से खोल ही नहीं सकते, और कोई कांच तोड़ा नहीं गया, इसका मतलब ये है कि या तो कांच अंदर से खुला रखा गया या फिर किसी ने उनके आते वक्त उसको खोला, अदरवाइज आप बगैर कांच तोड़े अंदर नहीं आ सकते। या तो आपको ताला तोड़ना पड़ेगा या कांच तोड़ना पड़ेगा या कहीं सेंध लगाना पड़ेगी, और ये तीनों में से कोई काम नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर बदमाशों की जांच करने में जुटी हुई है।